Welcome back. In this session of social science, in the past few classes, we had completed the chapter Nationalism in India. In the very first, we have studied about the effect of World War, coming back of Gandhiji, three Satyagraha, Champaran, Khera and Ahmedabad, then the Rowlatt Act, Satyagraha against Rowlatt Act, Jallianwala Bagh Massacre, formation of the Khilafat Committee, formation of, first of all, proposal of Khilafat and NCM, then adoption of NCM, then NCM ke char alag alag jagahon pe effect. The very first is in cities, second is in villages, rural areas, third is in tribal, and fourth is in plantation. Phir hum logo ne padha that due to the violence, satyagraha, and non-cooperation movement had to be withdrawn. Now, because of the internal disturbances, aapke internal disturbances ke wajah se, matlab within Congress, there were people who had different notions. Paper mein aaya hua hai, different notions, N-O-T-I-O-N-S, different notions. There were people, matlab ki, some were called as moderates, जो इलेक्शन के थ्रू ब्रिटिश को कंट्रोल करना चाहते थे, सम वर कॉल्ड एज रैडिकल्स, दोज हु वांट अ मास प्रोटेस्ट, एंड थर्ड वर दोज हु इवन वांटेड अ वायलेंस, मतलब वायलेंस भी है तो भी चलेगा ऐसा उनका मानना था. दीज वर द थ्री हुम वी कॉल्ड एज मॉडरेट्स, रैडिकल्स एंड एक्सट्रीमिस्ट. देन द कमिंग अप ऑफ साइमन कमीशन, which did not have any Indian as member. India ka Indian ke koi member nahi tha. So when Simon Commission came to India, it was greeted with the slogan, Go Back Simon. Then the failure of first round table conference, aur uske baad the arrest of people like Jawaharlal Nehru, iske baad गांधी जी ने अपना आइकॉनिक डांडी मार्च जो है वो स्टार्ट किया था. एंड जो सॉल्ट मार्च है या डांडी मार्च है, दैट इज कॉल्ड एज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. इसके दौरान गांधी जी हैड ट्रैवल फ्रॉम साबरमती टू डांडी. सेरेमोनिकली ही हैड बॉइल्ड द वाटर एंड मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट. इसके बाद जगह जगह पर जो आपके पिकेटिंग हुई, द पीपल ब्रोक द लॉज विच वर इम्पोज ऑन देम, बट अगेन द प्रॉब्लम वॉज कि दिस मूवमेंट वॉज ऑल्सो बिकमिंग वेरी वॉयलेंट, और इसीलिए इसको की जो है हटा दिया गया. एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज ऑल्सो अ फेलियर. गांधी जी इवन दो रीलॉन्च सिविल डिसोबीडियंस, बट इट वॉज नॉट पार्टिसिपेटेड बाय एवरी वन, बिकॉज द रिच इंडस्ट्रियलिस्ट, द पीपल हु वर्कड इन द इंडस्ट्रीज, देन द वेमेन, द पुअर फार्मर्स, द रिच फार्मर्स, द बिजनेस मैन, सबके अपने मतलब की नोशंस थे. एंड उनका जो मुद्दा था दैट वॉज नॉट कनेक्टेड विद सिविल डिसोबीडियंस. Somewhere they felt alienated, और इसीलिए they did not participate, या फिर उनका जो मतलब participation था वो कम था. फिर हमने पढ़ा what were the limitations of civil disobedience. बच्चे दो अलग questions हैं, तो इनको आपने बिल्कुल भी confuse नहीं करना है. तो सिविल डिसोबीडियंस में किन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था या लिमिटेशंस थी, और वो थे आपके, क्योंकि गांधी जी का मानना था ईच एंड एवरी कैटेगरी ऑफ पर्सन शुड बी देयर इन द सिविल डिसोबीडियंस,
तभी व्हेन वी आर यूनाइटेड देन ओनली वी वुड बी एबल टू चेज अवे द ब्रिटिश। और उसमें जो एक लिमिटेशन थी वो था आपका हरिजन, जिनको डिप्रेस क्लास एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, विच वॉज फॉर्म बाय अंबेडकर। एंड ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान गांधी जी एंड अंबेडकर जी के बीच में देयर वॉज एन आर्ग्यूमेंट, बिकॉज अंबेडकर जी डिमांडेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट एंड गांधी जी सेड कि ये हम बाद में करेंगे। इवन दो द ब्रिटिश सपोर्टेड अम्बेडकर, बट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज नॉट सक्सेसफुल। बाद में गांधी जी वेंट फॉर अ स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक, एंड पूना पैक्ट 1932 के अंडर जो है ये मान लिया गया था कि द डिप्रेस क्लास विल बी गिवन सेपरेट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बट फिर भी देयर वर नो, मतलब नॉट मच पार्टिसिपेशन वॉज नॉट देयर उनकी तरफ से, बहुत ज्यादा नहीं। एंड सेकेंड जो हमारा था दैट वॉज ऑफ द मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के साथ हमने पहले एनसीएम बनाया था, बट देन देयर वर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, सो दैट वॉज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। एंड देन इवन दो मुस्लिम जो है पहले दे वर रेडी, पहले तो उन्होंने सर इकबाल मोहम्मद ने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा था, विच वॉज ऑल्सो सेड टू बी द बेस ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने इस चीज को मना कर दिया था, दे वर रेडी टू कोऑपरेट, बट दे वॉन्टेड कि मुस्लिम शुड गेट देयर फेयर शेयर, क्योंकि उनका जो मतलब कि नंबर ऑफ पीपल लिविंग हेयर इज लेस। लेकिन हिंदू महासभा के जो मतलब कि लोग थे, जो स्पीकर थे जयकर, उन्होंने जब बहुत स्ट्रांगली अपोज किया तो मुस्लिम्स वर ऑल्सो नॉट दैट मच इंटरेस्टेड। एंड दीज वर सम ऑफ द इंसिडेंट्स विच हैड ट्रिगर्ड द इंडियंस इंडियाज पार्टीशन, जिसकी वजह से इंडिया में जो पार्टीशन वाली बात आई थी वो कुछ चीजें ऐसी भी। तो दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। अब हम लास्ट में जा रहे हैं कि तो फिर अल्टीमेटली ऐसी ऐसा क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड एट द एंड दैट वी वर यूनाइटेड, व्हाट वर दोज थिंग्स विच यूनाइटेड। और दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इसके आपके अलग अलग क्वेश्चन पीछे आए हुए हैं बच्चा। फॉर एग्जाम्पल आपके पेपर के अंदर आया हुआ है कि नो, इसमें नहीं दिया हुआ है, नाउ दिस क्वेश्चन आर नॉट देयर। इसमें एक क्वेश्चन आपका आया है कि इट वॉज वेन द मतलब कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, हाँ ये वाला, नेशनलिज्म स्प्रेड वेन पीपल बिगैन टू, एक ये आया हुआ है। तो इसके अंदर आपके भारत माता के फिगर्स, देन फ्लैग, देन फोकलोर, इनको आपने जो है एक्सप्लेन करना है, मतलब यूजिंग द फिगर ऑफ भारत माता, यूजिंग द स्वराज फ्लैग, यूजिंग द स्टोरीज ऑफ इंडिया पीपल जो है उन्होंने खुद को, एक तो ये क्वेश्चन आया है। और दूसरा आपके मतलब कि इसी के अंदर से ये वाला, जैसे ये वाला, इसके अंदर आपको सिर्फ ये वाला बताना है, दिस हैज कम इन द पेपर। एंड दिस मतलब इसी पोर्शन में से ही आपके तीन अलग अलग क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर आया। एंड इसके जो फिगर्स है ना वो भी पेपर में आए हैं, जो पिक्चर्स है ना वो भी आए हुए। नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर पार्ट ऑफ सेम नेशन। पहले क्या था, जब एनसीएम स्टार्ट हुआ था तो लोगों को लगा था कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी। सिविल डिसोबीडियंस में भी एवरीवन वाज हैविंग देयर ओन इंटरप्रिटेशन,
लेकिन जब लोगों को लगा कि इट इज नॉट ओनली अबाउट द रेवेन्यू टैक्स, इट इज नॉट ओनली अबाउट दिस, दिस इज ऑल अबाउट अवर नेशन, तब दे स्टार्टेड यूनाइटिंग देमसेल्फ्स। तो कैसे हुआ? द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंसेस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल, बट देयर वर ऑल्सो अ वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। आपके पेपर का यही क्वेश्चन है बच्चा, ये और ऊपर वाला, दोनों दोनों में सेम आंसर्स है। हिस्ट्री, फिक्शन, फिक्शन मतलब स्टोरीज, फोकलोर हमारे लोक कथाएं, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स, सिंबल्स ऑल प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन जो हम यूरोप वाले में पढ़ चुके हैं, हम लोग नॉर्मली उसको एक एक्सट्रैक्ट फिगर से बनाते हैं, जैसे उसमें जर्मेनिया था जर्मन के लिए, फ्रांस के लिए मरियान था, हमारे हिंदुस्तान के लिए हम कहते हैं भारत माता। वी टेक द एलिगोरी ऑफ अ मदर, व्हाई मदर व्हाई नॉट फादर, द रीजन इज की विमेन इज सेड टू बी द एपिटमी ऑफ पेशेंस, दे हेल्प, दिस हेल्प क्रिएट एन इमेज विथ वॉट पीपल कैन आइडेंटिफाई। आज भी आपको पता है जब हमारे 15 अगस्त या 26 जनवरी आते तो लड़कियों को भारत माता बना के सजाते। इट वॉज इन द 20th century विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म दैट द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद इमेज ऑफ भारत माता। इसका बहुत ही कंफ्यूजिंग है तो प्लीज लर्न करना। द फर्स्ट वॉज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को हम दूसरे बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से भी जानते हैं, तो बोथ आर सेम। ही वॉज द वन हु ऑल्सो रोट द वंदे मातरम। आनंद मठ करके एक मूवी है, एक नॉवल है, एक्चुअली इट्स ऑल्सो अ मूवी, जो हम गाना गाते हैं ना, वंदे सुजलाम सुजलाम मातरम, वो गाना। He was the one who first created, moved by Swadeshi movement, Abhinandranath Tagore, he was actually a cousin to Rabindranath, painted his female, ये आपके पहले create अलग है और painted अलग है, ये याद रखना आप लोगों ने। In this painting, Bharat Mata is portrayed as an ascetic, ascetic मतलब जो दुनियादारी से बिल्कुल हट जाता, सन्यासी, काम, कंपोज्ड, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। दिस इज द वन, दिस इज द वन। इन सबसिक्वेंट ईयर्स द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मेनी डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे हम लोग तो आजकल अलग अलग देखते हैं, तो वो धीरे धीरे हुआ। फर्स्ट इट वॉज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड पेंट किसने किया था? अभिनंद्रनाथ टैगोर, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये वन मार्कर है। इंडिया आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप्ड थ्रू मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। ऊपर तो भारत माता को हमने किया, फिर कहानियां। इन द लेट 19th century इंडियन नेशनल बिगेन रिकॉर्ड फोक टॉल संग बाय बार्ड्स एंड दे टूर्ड विलेजेस टू गैदर फोक सॉन्ग लेजेंड। लोग जो गाना गाकर बंजारे होते थे वो गाना गाते थे और वो हमारे लोक कथाओं के बारे में बताते थे कि दैट वॉज करप्टेड एंड डैमेज बाय आउटसाइड फोर्सेस। जैसे इन यूरोप ग्रिम ब्रदर्स ने किया था, वैसे हमारे यहाँ पर भी द पीपल ट्राई टू प्रिजर्व द फोक ट्रेडिशन। प्रिंट कल्चर में आप और पढ़ोगे इसके बारे में, जो प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर है। इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी एंड रिस्टोर सेंस ऑफ प्राइड, मतलब सबने अपने पास्ट से खुद को किया। हम अपने पुराने याद करते ना, हमारे वेदों में ये लिखा हुआ है, हमारे पुराणों में ये लिखा हुआ है, हमारे उपनिषद में ये लिखा हुआ है, तो पीपल स्टार्टेड collecting, recollecting and connecting it. In Bengal, Rabindranath Tagore began collecting ballads, which are story type songs, nursery rhymes and myths, and led the movement for folk revival.
मतलब उन्होंने तो अपने गानों के थ्रू, अपने बैलेट्स के थ्रू, कहानियों के थ्रू जो है उन्होंने इकट्ठा किया इन मद्रास नटेश शास्त्री, उन्होंने तमिल फोक टेल्स द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया लिखा। उनका मानना था कि जो हमारा फोकलोर है यानी कि हमारा ट्रेडिशन है वो हमारा लिटरेचर, द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल, हमारी सोच को बताता है वो, व्हाट वी थिंक। तो फर्स्ट वॉज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, सेकेंड वॉज बाय नटेश शास्त्री। उसके अलावा वी ऑल्सो हैड द आइकन्स एंड सिंबल्स लाइक ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल अ ट्राई कलर, उस वक्त में हमारा जो फ्लैग कलर था वो था रेड ग्रीन एंड येलो। उसमें आपके अगर आप गूगल करोगे तो आप देखोगे कि जो भारत माता का फिगर था ना उसमें क्या होता था, एक छोटा सा चंद्रमा एंड ऑल्सो आपके 8 लोटसेस होते थे। दीज 8 लोटसेस वर द 8 प्रोविंसेस, उस वक्त में जो हमारे सिंध सेंट्रल ये जो 8 प्रोविंस थे उनके लिए लोटस बना हुआ था, एंड नीचे आपका एक चंद्रमा बना हुआ था विच रिप्रेजेंटेड द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। बाय 1928 गांधी जी डिजाइन द स्वराज फ्लैग, जो उन्होंने किया था उसमें बीच में स्पिनिंग व्हील था। नाउ व्हाई द स्पिनिंग व्हील वाज रिमूव्ड, यू नो दिस वाज बिकॉज स्पिनिंग व्हील को जब आप दोनों तरफा देखते हो, मतलब जब आप उसको ट्रांसपेरेंट होके देखते हो ना, तो सामने से तो वो आपका स्पिन ऐसे कर रहा है, इट लुक्स लाइक दिस, लेकिन जब आप उसको उधर से देखते हो तो वो उल्टा दिखाई देता है। एंड दैट इज व्हाई द स्पिनिंग व्हील वाज रिमूव्ड एंड आपका जो अभी प्रेजेंट आपका अशोका चक्र है ना इसको डाला गया था, बिकॉज अशोक चक्र दोनों तरफ से सेम दिखाई देता है एंड इट इज ऑल्सो दैट मूविंग ऑन डेवलपमेंट, इसीलिए स्पिनिंग व्हील को हटा दिया गया था। लेकिन जो गांधी जी ने डिजाइन किया था उसमें बीच में स्पिनिंग व्हील था, ये पेपर का क्वेश्चन है। एंड दिस फ्लैग वॉज कैरीड ड्यूरिंग द मार्चेस, बिकेम अ सिंबल ऑफ डिफेंस, डिफेंस मतलब अपनी बात को रखना, डिसोबीडियंस कि हम तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे, हम अपने भारत अपने स्वदेशी झंडा लेंगे। तो पहले जो झंडा था दैट हैड द 8 लोटसेस एंड अ क्रिसेंट मून। अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वॉज री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। लोगों ने नाउ नॉट ओनली थ्रू द सॉन्ग्स, बिकॉज द ब्रिटिश ने तो हम लोगों को कहा था दैट वी आर बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव, हम खुद को गवर्न नहीं कर सकते, हम तो पुराने जमाने के हैं, बट इंडियंस ने उसी पास्ट को रीडिस्कवर किया, बिकॉज इंडिया वॉज द वन विच गेव जीरो, इंडिया इज द वन विच गेव डेसिमल सिस्टम, एंड यू नो जो हम सर्जरी करते हैं ऑपरेशंस, इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड इन इंडिया बाय सुश्रुता। अगर आप मेडिसिन के बारे में पढ़ते हो तो इफ यू रीड अबाउट सुश्रुता, तो सुश्रुता जो थे ही वाज अ पर्सन जो अपने बच्चों को मेडिसिन सिखाते थे, तो जो डेड आपके बोन्स होते थे ना वो उसको रख के ही हैड स्टार्टेड। तो इवन इफ वी से मेडिसिन वी वर द वन, और अगर आप हमारे मतलब कि हम अपने मतलब नॉट टू से बट अगर हम लोग ये बातें कहते हैं हनुमान चालीसा एंड देर आर सो मेनी थिंग्स विच वी कैलकुलेट, तो दे आर ऑल बेस्ड ऑन साइंटिफिक कैलकुलेशंस। अभी रिसेंटली देर डे बिफोर येस्टरडे व्हेन चंद्रयान हैड मतलब कि सक्सेसफुल हुआ था, तब भी इट वॉज सेट कि ये जो चीज है ना कि मून एंड मार्स इज लाइंग इन द सेम लाइन, दिस इज ऑल्सो देयर रिटर्न। तो वी हैड अ वेरी ग्लोरियस पास्ट, हमारा जो पास्ट था वो काफी ग्लोरियस था। हाँ हमने उसको शायद प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं किया था बट इट वॉज वेरी ग्लोरियस, वी हैड सो मच ऑफ नॉलेज। इंडियंस बिगैन लुकिंग इन टू द पास्ट टू डिस्कवर इंडिया ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट्स, दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट्स इन एशियन टाइम लाइक आर्ट कल्चर आर्किटेक्चर साइंस मैथ्स रिलीजन कल्चर लॉ फिलोसफी क्राफ्ट एंड ट्रेड। आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस, आपको पता है इंडिया का जो चाणक्य नीति है
इट इज सेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिकल, मतलब इकोनॉमिक्स की बुक. तो दिस इज हाउ. एंड नालंदा एंड तक्षशिला, दे आर द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड. नालंदा आपका बिहार के ऊपर है, जहां कहा जाता कि उस जमाने में दूर दूर से बच्चे आते थे पढ़ने के लिए. एंड तक्षशिला राइट नाउ इट इज इन पाकिस्तान, बट वहां पर भी आपके, वी हैड सच अ यू नो ग्लोरियस पास्ट. तो इन चीजों को वापस दोबारा से इट वॉज रीइंटरप्रेटेड. इट वॉज फॉलोड बाय अ हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडिया वॉज कॉलोनाइज्ड. नाउ द नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज अर्ज द रीडर्स टू टेक प्राइड हमारे इन पास्ट के बारे में. इंडिया को, मतलब कि इंडिया वॉज कॉल्ड एज, अभी आज जब मैं मॉर्निंग आप लोगों को मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ा रही थी, उसमें लिखा हुआ है ना दैट एट द ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी चाइना एंड इंडिया वर द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. आज हम चाहे अपने आप को डेवलपिंग या अंडर डेवलपमेंट कहते हैं, लेकिन वी वर द रिचेस्ट कंट्रीज, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज. सो दीज एफर्ट्स टू यूनिफाई पीपल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स. When the past being glorified was Hindu, the images celebrated were drawn from Hindu iconography, the people of other communities felt left out. ये तो हमेशा होता है. अगर हम हमेशा ये बोलते हैं भाई हम हिंदू नेशन है, तो मुस्लिम्स को बुरा लगता है, और अगर उनको बारे में बात किया जाता है, when we talk about अकबर है ना, तो हम लोगों को बुरा लगता है. भी से नहीं, हमारे हमारे मतलब कि महाराणा प्रताप ऐसे थे, हमारे यहाँ मतलब कि दिस पर्सन वॉज देयर, मतलब कि खिलजी वॉज रॉन्ग. दिस रिमेन्स, ये कल्चरल डिफरेंसेस है, बट दिस डजेंट मीन कि हमारा जो पास्ट है वो खराब था. वेदर वी वर रूल्ड बाय गुप्ता डायनेसिटी और वी वर रूल्ड बाय मुगल, वी हैड अ वेरी ग्लोरियस पास्ट, बट बिकॉज ऑफ अवर ओन सर्टेन वॉट वी कॉल एज इग्नोरेंस, हमारी थोड़ी सी जो इग्नोरेंस है उसकी वजह से शायद वी बिकेम कॉलोनाइज टू अदर पीपल. सो दिस इज हाउ पीपल वर यूनिफाइड. कैसे कैसे यूनिफाइड हुए थे क्लास 10? सबसे पहले दे वर यूनिफाइड थ्रू द भारत माता फिगर. पहले क्रिएट किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, फिर उसके बाद उसको जो है अवनींद्र नाथ टैगोर ने बना पेंट किया था. देन विद द फोकलोर्स, रविंद्रनाथ टैगोर हैड रिटन सर्टन फोकलोर्स, नटेश शास्त्री इन मद्रास हैड रिटन सर्टन फोकलोर्स. देन फ्लैग, जो स्वराज फ्लैग था उसमें आपके लोटसेस थे, लेकिन इट वॉज रीडिजाइन बाय गांधी जी बाय पुटिंग दी स्पिनिंग व्हील. देन चौथा आपका था री इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री, जिसके अंदर हमने अपने आर्ट, अपने कल्चर, अपने साइंस, अपनी मतलब की टेक्नोलॉजी जो हमारे पास पहले भी थी, उसको हमने दोबारा से जीने की कोशिश की. वी ट्राइड टू अपोज द ब्रिटिश बाय टेलिंग दैट वी वर नॉट बैकवर्ड्स, वी वर द वन हु रूल्ड ओवर अदर्स. बट थोड़ी प्रॉब्लम्स तब भी आई थी, बिकॉज व्हेन वन पर्टिकुलर कम्युनिटी केम तो अनदर कम्युनिटी फेल्ट एलियनेटेड. फिर भी समवेयर और द अदर हम लोग धीरे धीरे वी ऑल बिकेम कॉमन यूनिफाइड. अ ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट वॉज दस ब्रिंगिंग टूगेदर वेरियस ग्रुप्स एंड क्लासेस ऑफ इंडियंस इनटू कॉमन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, जो हम 1915 के बाद पढ़ते हैं. द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राई टू चैनल पीपुल्स ग्रीवेंसेस इनटू ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट. जैसे हम चंपारण एपिसोड पढ़ते हैं इन इंडिगो, तो हमें पता लगता है कि जो हम यहाँ सत्याग्रह पढ़ रहे हैं ना, एक्चुअल में वो सत्याग्रह वॉज नॉट अबाउट इन नेशनल मूवमेंट, दैट वॉज एक्चुअली देयर ओन प्रॉब्लम. वहां पर जो इंडिगो प्लांटर्स थे ना, उनको फोर्स किया जाता था बाय द ब्रिटिश टू प्लांट इंडिगो, और उनको जो है एज अ रेंट पूरा इंडिगो देना पड़ता था, और उनको कुछ पैसे दिए जाते थे. और इस
और उसके बाद व्हेन इंडिगो वाज डेवलप्ड इन द लेबोरेटरी, तो ब्रिटिश ने कहा कि अगर आपको बॉन्डेड लेबर से अपने आप को छुटकारा पाना तो यू हैव टू पे द पेनाल्टी। और इस इनजस्टिस को लड़ने के लिए लोगों ने गांधी जी का सहारा लिया था, विच लेटर बिकेम अ मूवमेंट ऑफ नेशनल स्ट्रगल। तो यानी कि ये जो लोगों के प्रॉब्लम थे ना, वो एक तरफ से नेशनल प्रॉब्लम के साथ जुड़ गए। थ्रू सच मूवमेंट्स द नेशनलिस्ट ट्राई टू फोर्ज अ नेशनल यूनिटी, बट एज वी हैव सीन डाइवर्स ग्रुप्स एंड क्लासेस पार्टिसिपेटेड। जैसे हमने देखा इंडस्ट्रियलिस्ट और जो इंडस्ट्री में काम करते थे वर्कर्स, उनके बीच का डिफरेंस, रिच पीजेंट्स एंड पुअर पीजेंट्स के बीच का डिफरेंस, द मुस्लिम पार्टिसिपेशन, द दलित पार्टिसिपेशन। एज देयर ग्रीवेंसेज वर वाइड रेंजिंग, फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल मेंट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। सबके लिए फ्रीडम वो हैड इट्स ओन मीनिंग। द कांग्रेस कॉन्टिन्यूअसली अटेम्प्टेड टू रिजॉल्व द डिफरेंस, एंश्योर द डिमांड्स ऑफ वन ग्रुप डिड नॉट एलियनेट अदर। उन्होंने कोशिश की लाइक प्रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये सब 1928 में जब मोतीलाल नेहरू जी ने एक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि ड्राफ्ट किया था उसी में ऐड किया था। दिस इज प्रिसाइसली वाई द यूनिटी इन विद इन द मूवमेंट ऑफन ब्रोक डाउन। द हाई पॉइंट्स ऑफ कांग्रेस एक्टिविटी एंड नेशनलिस्ट यूनिटी वर फॉलोड बाई फेसेस ऑफ डिस यूनिटी इनर कॉन्फ्लिक्ट। मतलब एक बार मूवमेंट होता, सब इकट्ठे हो जाते, फिर बाद में सब फिर अलग हो जाते, आपस में झगड़ा करते। लाइक आपका एनसीएम, एनसीएम में पहले मुस्लिम्स वर पार्टिसिपेटिंग, लेटर ऑन दे डिड नॉट पार्टिसिपेट। उसके बाद सिटी में भी वो कम हो गया, रूरल एरियाज में भी कम हो गया, देन ट्राइबल में भी अल्लूरी सीताराम राजू को 2 साल बाद उसको भी पकड़ लिया गया। इन द इनलैंड इमिग्रेशन वहां पर भी लोगों पे कम हो गया। सिमिलरली द मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड बट दे वर एलियनेटेड, द दलित्स पार्टिसिपेटेड बट उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। सो देयर वर डिफरेंट वॉइसेस। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। अब जो वर्ल्ड वॉर टू था उसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद, दैट इज व्हेन द एंटायर वर्ल्ड हैड डिस्ट्रक्टेड ड्यू टू द बम्बार्टमेंट ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, उसके बाद जो इतनी प्रॉब्लम्स आई थी, दैट हैड क्रिएटेड अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। एंड दैट इज व्हाई हमने आज सुबह ही पढ़ा था कि इसके अंदर जो है द मतलब कि यूएन के वो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक वॉज फॉर्म्ड, देर वॉज इकोनॉमिक रिसेशन, एंड यही इंडिया में भी था। क्रिप्स कमीशन जो था, दैट क्रिप्स मिशन जो था, दैट वॉज अ फेल्ड अटेम्प्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड दे वॉन्टेड अ फुल कोऑपरेशन। वो लोग चाहते थे, द ब्रिटिश वॉन्टेड अ फुल कोऑपरेशन एंड सपोर्ट फ्रॉम द इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर टू, एंड दिस मिशन वॉज हेडेड बाय स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसको क्रिप्स मिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो हेड थे उनका नाम था दिस लेड गांधी जी टू लॉन्च अ मूवमेंट कॉलिंग फॉर कंप्लीट विड्रॉयल ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। इससे पहले क्या था बच्चा, पहले क्या था कि दे वांटेड कि इंडियंस को पावर मिल जाए, लेकिन अब वो चाहते थे कि तुम अपना सारा बोरी बिस्तरा लेकर यहां से चले जाओ। सो द कांग्रेस वर्किंग कमिटी इन इट्स मीटिंग इन वार्धा इन 14 जुलाई 1942
passed the Quit India resolution demanding immediate transfer of power to the Indians and Quit India. And इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि इस पर्टिकुलर क्विट इंडिया को सपोर्ट सबने किया था. मतलब पहले में तो बहुत सारे लोग सपोर्ट करते थे, विड्रॉ करते थे. ऑन अगस्त 1942 इन बॉम्बे द ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी एंडोर्स द रेजोल्यूशन विच कॉल्ड फॉर अ नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल ऑन द वाइडेस्ट पॉसिबल स्केल थ्रू आउट द कंट्री. And he also delivered the famous speech "Do or Die." The call for quit India almost brought the state machinery to a standstill in large parts of the country as people voluntarily threw themselves into the thick of the movement. मतलब इसमें लोग आगे खुद बढ़कर आए. People observed हड़ताल, demonstration, processions. जिसमें नेशनल सॉन्ग स्लोगन गाए जाते थे. दिस वॉज अ ट्रूली मास मूवमेंट विच ब्रॉट इन टू इट्स एम्बिट थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, पीजेंट्स एंड ऑल्सो लीडर्स लाइक जयप्रकाश नारायण, जो लेटर ऑन हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे, अरुण असफ अली, राम मनोहर लोहिया, मतन गिरी हाजरा. मतलब इसके अंदर जो है मैनी पीपल. Then there were people जो कि आपके लिटरेचर में थे लाइक रमा देवी या फिर कनकट्टा बरुआ. द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड विथ मच फोर्स बट इट टुक मोर देन अ ईयर टू सप्रेस द मूवमेंट. एंड लेटर ऑन उनको भी समझ आया विथ क्विट इंडिया बिकॉज इट वॉज सपोर्टेड बाय एवरी वन. तो विथ क्विट इंडिया दे ऑल्सो अंडरस्टूड इट इज नाउ डिफिकल्ट क्योंकि यहाँ पे रहेंगे तो ऐसे मूवमेंट्स आएंगे. एंड देन इट वॉज की द पावर शुड बी ट्रांसपोर्टेड ट्रांसफॉर्म मतलब की ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया. तो 42-43 ऐसा ही रहा. एंड देन 2 ईयर्स आगे पीछे रहा. देन इन 45 The British began to evacuate from here. फिर सोचा गया. And then the proposal of two nation theory, यानी कि because उस वक्त में British जो है वो sorry मुस्लिम जो है वो अड़ गए. उन्होंने कहा हमें या तो सेपरेट इलेक्टोरेट दो या सेपरेट कंट्री दो. द रीजन इज कि दे फेल्ट दैट दे वुड नॉट दे आर नॉट सेफ इन इंडिया. And that is why, over a long negotiation, which is also said to be that it was a historical blunder. I don't know whether it was a blunder or not. I always keep myself aloof by because wo situation kya tha hum nahi jaan. Whether that was right or wrong, because many of the Muslims did not support two nation theory. They felt that they are okay here. And ultimately, the two-nation theory was passed, and it was said that the areas which presently is in the Lahore, आपका पाकिस्तान वो जो पंजाब वाला area, some parts आपके वहाँ पर अमृतसर के, some parts of the present Bangladesh इनको mark किया गया, and they were marked as मतलब उन्होंने नया नाम दिया उसको पाकिस्तान. पाक मतलब जैसे होली होली तो पाकिस्तान. एंड मोहम्मद अली जिन्ना वॉज गिवन द चार्ज. अल्टीमेटली 45 से ऑल दीज पावर ट्रांसफर स्टार्ट हुआ. 46 हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना शुरू हो गया था बिकॉज वी न्यू दैट सूनर और लेटर वी आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट. और उस वक्त में नो डाउट वी वर हैविंग द मेंबर्स इवन फ्रॉम द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंसी. लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो वो जो लोग थे जो मेंबर्स थे हु बिलोंग टू पाकिस्तान वर ड्रॉप एंड ओनली 299 मेंबर्स वर देयर. एंड अल्टीमेटली ऑन अगस्त 14 फर्स्ट द कार्विंग ऑफ पाकिस्तान वॉज अनाउंस. दैट इज वाई उनका जो मतलब कि इंडिपेंडेंस डे है नॉर्मली इट इज 14 और हम 15 को सेलिब्रेट करते हैं.
और जो अनाउंसमेंट हमारी हुई थी दैट वाज मिडनाइट, दैट इज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, एंड जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने रात को डिक्लेयर किया था. सो वी सेलिब्रेटेड ऑन 15. बट बेटा द पार्टीशन और द क्रिएशन ऑफ इंडिया इंटू टू नेशन या फिर अवर इंडिपेंडेंस वॉज नॉट अ वन डे स्टोरी. इट वॉज अ लॉन्ग हिस्ट्री विच वी हैव ऑलरेडी रेड. सेकेंडली इवन आफ्टर द पार्टीशन वी हैव सीन द वर्स्ट पीरियड्स ऑफ अवर हिस्ट्री. दिस इज बिकॉज मोर देन 30 लाख, मतलब कि 30 लाख पीपल जो है दे हैड टू बी ट्रांसफॉर्म. कई जगहों पर तो जो मतलब कि दोनों ने यही बोला था, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी और इंडिया ने भी बोला था कि अगर आप वहां जाना चाहते हो यू कैन गो, एंड इफ यू वॉन्ट टू कम ओवर हेयर यू कैन कम. बट ये जो आने और जाने के बीच में, क्योंकि लोग डरे हुए थे, एंड डेफिनेटली ये वो टाइम होता है जब आपके जो लोग बदतमीजी करते हैं उनके लिए दैट वॉज अ पीरियड ऑफ, उनके लिए तो दैट वॉज एडवांटेज, तो वो फायदा उठा रहे थे. सो मेनी पीपल हैड टू, मतलब उनको फोर्सिबली पुश किया गया, मेनी पीपल वर फोर्सिबली उनको अपने मतलब कि रिलीजन को जो है कन्वर्ट करना पड़ा. मेनी ऑफ द गर्ल्स वर नेम रेप कन्वर्टेड इनटू इस्लाम, फोर्सिबली मैरिड, एंड दिस वाज नॉट ऑन वन साइड, दिस वाज ऑन बोथ द साइड्स. इफ एनीवन सेज दिस दैट इज रॉन्ग, क्योंकि आगे जब भी आप पढ़ते हो ना यूपीएससी के लिए देन यू विल रीड इट वाज ऑन बोथ द साइड्स. एंड कई जगहों पे लोग अपनी लड़कियों को जानबूझ के मार देते थे बिकॉज उनको ये डर लगा रहता था. इट ब्रॉट सो मच ऑफ डिस्ट्रक्शन, द वर्स्ट अगलीएस्ट पीरियड ऑफ अवर हिस्ट्री. एंड देन जो लोग वहां से यहाँ आए थे, यहाँ पर उनके लिए कोई जगह नहीं थी, उनको अपना घर बार जैसा उनका घर बार था. सम ऑफ द पीपल, बिकॉज आई हैव मेट सच पीपल ऑल्सो, हमारे पड़ोस में एक रहते थे सरदार जी थे, सो दे हैड कम फ्रॉम पाकिस्तान. तो दे टेल, मतलब कि अब तो मतलब वो पापा जी और बीजी दोनों नहीं है, दे यूज टू टेल कि वहां उनका घर इतना बड़ा था, बट सडनली व्हेन दिस अनाउंसमेंट वाज मेड दे हैड टू रश लीविंग एवरीथिंग. किसी किसी के तो बच्चे छूट गए, किसी के बड़े छूट गए, एंड अल्टीमेटली व्हेन मतलब उनको टाइम दिया जाता था कि आपको इस टाइम से मतलब यू हैव टू क्रॉस द बॉर्डर, तो वो डर के मारे करते थे. एंड दे यूज टू वॉक माइल्स, कोई पंजाब में हो गया, कोई कहीं पर हो गया, इंडिया दिल्ली के अंदर आपका जो लाजपत नगर है, तिलक नगर है, दीज आर ऑल द रेफ्यूजी कॉलोनीज, यहाँ पे आपके कैंप्स लगे होते थे. अगर आप में से कोई पुराने मतलब सीरियल्स वगैरह देखने का शौक है तो वॉच बुनियाद, उसमें आप देखोगे कि कितना डिफिकल्ट होता था इनके लिए वहां सर्वाइव करना. कैंप्स होते थे वहां पर, इनको मिलके रहना पड़ता था. They did not have a separate kitchen. They did not have the separate bathrooms. Girls ke liye it was difficult. Itni problems thi. And 47 se lekar 50 tak it was very difficult. Kyunki us waqt hamara jo government tha, wo hamara permanent government nahi tha. It was called as an interim government. Interim matlab temporary. क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे थे, एंड देन इन 1950 व्हेन हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में लेकर आया, उसके बाद हमने अपना इलेक्शन कमीशन बनाया, एंड देन आपके इलेक्शन हुए, लेकिन उस दौरान इन लोगों को जो एक जगह से दूसरी जगह गए दे हैड टू फेस लॉस, एंड देन इंडिया में पॉवर्टी, इलिटरेसी, इग्नोरेंस, कास्टिज्म, ये सारी प्रॉब्लम्स थी. And we have crossed all, and today we are living in 2023, जहाँ पर ये सब चीजें हमारे लिए maybe it is just like a story, but this was a struggle of nationalism in India. So this is the entire chapter. Till now हम लोग already हम लोग जो है last class में तो हम लोग वहां तक civil disobedience और उसके why it was withdrawn यहाँ तक हम पढ़ चुके थे.
आज हम लोगों ने सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा कि फोकलोर, सॉरी, फ्लैग, भारत माता इमेज, फोकलोर एंड री इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री, ये सब हमने पढ़ा. एंड देन हम लोगों ने जो नेक्स्ट पढ़ा वो है कि इट वॉज नॉट ईजी. देन वी हैव रेड अबाउट द क्रिप्स कमीशन. क्रिप्स कमीशन जो है वो इट वॉज फॉर्म बाय द अंडर क्रिप्स. इट वॉज फॉर्म ये दिखाने के लिए दैट वी इंडियन शुड सपोर्ट, बट इंडियंस को सपोर्ट हमारे उनको नहीं मिल रही थी. एंड देन वर्ल्ड वॉर टू विच हैज क्रिएटेड लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन. उसके बाद आपका जो है क्विट इंडिया मूवमेंट. नाउ क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज ऐसा एक मूवमेंट था जिसको हम कह सकते हैं कि अनोनमसली इट वॉज पास्ड. मतलब पहले तो देर वर सो मेनी डिफरेंसेस, लेकिन इसमें सभी लोगों ने जो है मिलजुल के किया. एवरी पर्सन पार्टिसिपेटेड इन दैट, सबने उसमें पार्टिसिपेशन लिया. एंड इट वॉज ऑल्सो सपोर्टेड बाय स्टूडेंट्स एंड ऑल. एंड अल्टीमेटली दिस वॉज अ पीरियड वेन ब्रिटिश डिसाइडेड दैट दे शुड लीव इंडिया फॉर एवर. और उसके बाद का मैं आपको बता चुकी हूँ. बाय 45 दे डिसाइडेड एंड अल्टीमेटली बाय 46 हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना शुरू हुआ. एंड 47, 15 अगस्त 1947 वी गॉट द इंडिपेंडेंस. बट इंडिपेंडेंस वॉज नॉट सो ईजी. ऐसा नहीं था कि इंडिपेंडेंस हुआ और हम लोगों ने पटाखे, जैसे हम अब फोड़ते हैं वैसा हम पटाखे नहीं फोड़ सकते थे, बिकॉज विद दैट इट ऑल्सो ब्रॉट मेनी चैलेंजेस. द चैलेंजेस ऑफ पार्टीशन, द अगली पार्टीशन, द किलिंग, द डिस्पर्सल ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. सो इट टुक ईयर्स कि हम अपने आप को सेटल डाउन करें. दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया.